हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो पे आप लोग कुछ ऐसा सीखोगे जो कि शायद से आपने अभी तक किसी वीडियो पे नहीं देखा होगा। तो गाइज, आज की इस वीडियो पे मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास जो है अच्छा माइक नहीं है, जो कि मैं एक माइक लगा कर रखा हुआ है, जो कि बोया का माइक अभी देख सकते हो मेरे यहाँ पर लगा हुआ है, तो अगर आपका बोया का माइक भी नहीं है और अच्छा कोई प्रोफेशनल माइक नहीं है और सिर्फ आपका एक ये बेसिक ईयरफोन है जो कि सैमसंग के ब्रांड की तरफ से आता है या फिर कोई भी ईयरफोन है, ठीक है, जो बेसिक ईयरफोन्स होते हैं, तो इन ईयरफोन्स की मदद से आप जो है इस माइक क्वालिटी में आप जो है इसमें वॉइस ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और गाइज, ये जरूरी क्यों है जानना, क्योंकि दोस्तों अभी मैं बता दूं, यूट्यूब वीडियोस को व्यूज़ आने के लिए, यूट्यूब वीडियो रैंक करवाने के लिए आपका वॉइस भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है 2019 में, जिससे कि अगर आपका वॉइस क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी अगर सही रहता है तो आपका वीडियो और ज़्यादा रैंक करता है। और गाइज, क्या होता है कि देखिए, वॉइस क्वालिटी अगर ऑडियो क्वालिटी सही रहेगा तो क्या होता है, ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट भी रहता है, आपका क्रिस्पी वॉइस निकलेगा, ऑडियो निकलेगा, तो क्या होगा कि देखने में भी वीडियो में मज़ा आता है और जो लोग देखते हैं उसके वॉइस में भी जो है अगर आपका मिठास होगा तो वो सुनते ही आपके वीडियो को पूरा वॉच कर लेगा। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं चलिए बताता हूं कि कैसे आप जो है यहां से आप जो है बेसिक ईयरफोन की मदद से आप एक प्रोफेशनल माइक जैसा वॉइस रिकॉर्ड कर पाओगे, वो भी विदाउट नॉइज। आपको मैं नॉइज कैंसिलेशन करने का ही मेन ट्रिक बताऊंगा कि आप अगर देखिएगा, बेसिक ईयरफोन्स में जो होता है इसमें अगर आप वॉइस रिकॉर्ड करते हो तो क्या होता है कि बगल का जितना भी अगल बगल का हल्ला गुल्ला होता है, शोर शराबा होता है, नॉइज होता है, वो जो है इसमें कैप्चर कर लेता है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं वही चीज बताऊंगा कि आप कैसे इसमें भी रिकॉर्ड करके उस वॉइस जो नॉइज होता है उस नॉइज को कैसे जो है यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। नॉइज रिमूव करने का ही मेन टॉपिक है ये वीडियो, तो इसमें मैं बताऊंगा आप कैसे नॉइज को रिमूव करोगे। तो वीडियो को देखते रहिए, नहीं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, इसको करने के लिए देखिए, सिंपली आपको क्या है कि दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसकी मदद से आप जो है इसमें वॉइस रिकॉर्ड करोगे बेसिक ईयरफोन से और उस वॉइस में से आप नॉइज को रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो, जो कि हल्ला गुल्ला होता है, शोर शराबा, उसको आप जो है रिमूव कर सकते हो। तो इसके लिए आपको दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जो कि एक एप्लीकेशन जो है पेड है, जो कि 500 कुछ रुपए है, लेकिन मैं आपको दिया हूं डिस्क्रिप्शन पर लिंक, उस लिंक के थ्रू अगर आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो आपको कोई भी परचेज नहीं करना होगा, ना कि पैसा पे करना है, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। दोनों एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, जो कि उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आप सीधे जाओगे मेरे वेबसाइट पे और वेबसाइट पे जाकर के आपको डाउनलोड कर लेना है दोनों एप्लीकेशन को। देखिएगा, डाउनलोड डाउनलोड पीला कलर का आपको मिलेगा ऑप्शन, आप दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको कैसे क्या करना है, चलिए मैं बताता हूँ। अब सो फ्रेंड्स, आपको इन दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जो कि है एक रेडफर्स्ट प्रो और एक है लेक्सिस ऑडियो एडिटर। ये दोनों एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, जाकर आप क्लिक करना इन दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। आप दोस्तों, आपको क्या करना है, सिंपली से आपको इस वाले एप्लीकेशन पे जाना है जो कि रेडफर्स्ट है, रेडफर्स्ट वाला जो प्रो वाला एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का ओपन करके आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। आपको क्या करना है, इसमें आपका बेसिक ईयरफोन को प्लग इन करना है। प्लग इन करने के बाद आप यहाँ से एरो पे क्लिक करोगे, देन आपका एक माइक का बटन आएगा, आपको सिंपली से यहाँ से अपने वॉइस को रिकॉर्ड करना होगा, जो कि आप देख सकते हो मेरा वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है, मैं जो भी बोल रहा हूँ इस पे, तो इस तरह से आपका जो है इसमें वॉइस रिकॉर्ड होगा। तो आपको इसी एप्लीकेशन से वॉइस रिकॉर्ड करना होगा, मतलब कि आपको दो फोन की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा मेहनत है लेकिन आपका वॉइस क्वालिटी जो है बहुत ही ज्यादा सुधर जाएगा। तो गाइस, आपको दो फोन रखना होगा, एक पे आप वीडियो रिकॉर्ड करना है, एक पे वॉइस रिकॉर्ड करना है, एक फोन का अपने पैकेट पे रख लेना, पॉकेट पे रखने के बाद और जो बेसिक ईयरफोन का माइक होता है वो अपने गले के पास टांग लेना और ये वाला फोन आप पॉकेट पर रखना, एक फोन से वीडियो रिकॉर्ड करना, ठीक है। जैसे भी आप यूट्यूबर हो तो आपको ये करना है, तो इस तरह से आप यहाँ से रिकॉर्ड कर लेना। देन आपको क्या करना है, मैं चलिए बता देता हूँ। तो गाइस, इसको रिकॉर्ड करने के बाद इसको सिंपली से इसको सेव कर लेना है, ठीक है। तभी आप देख सकते हैं ये मेरा फाइल जो है सेव हो चुका है, तो इस तरह से ये सेव हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जाना है आपको दूसरे वाले एप्लीकेशन पे, जो कि ये है लेक्सिस ऑडियो एडिटर। यहाँ से आप जो है इस वॉइस के जो नॉइज होता है उस नॉइज को आप यहाँ से पूरा रिमूव कर सकते हो। तो ओपन करूंगा, ओपन पे क्लिक करने के बाद डिवाइस पे, तभी आप देख सकते हो यहाँ पर आप ओपन पे क्लिक करोगे तो आपके सारे जो रेडफर्स पे जो आप रिकॉर्ड किए हो वो सारे वॉइस का फाइल यहाँ पे आपको नजर आएगा। तो आपको उस वाले फाइल को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आपने वॉइस को रिकॉर्ड किया, उसके बाद आपको ओपन के ऊपर क्लिक करना है। ओपन क्लिक करोगे तो दोस्तों इस तरह का आपके सामने कुछ इंटरफेस आ जाएगा और इस इंटरफेस में आने के बाद आप यहाँ से नॉइज रिमूव कर सकते हो। किस तरह से गाइस, यहाँ से आपको देखिए 3 डॉट मिलता है एक ऑप्शन, तो आपको यहाँ से 3 डॉट के ऊपर प्रेस करना होगा, ठीक है। एक मिनट, फोकस नहीं कर पा रहा है। तो गाइस, यहाँ से आपको करना है 3 डॉट के ऊपर क्लिक, उसके बाद जाना है दोस्तों इफेक्ट्स के ऊपर, एंड देन आपको यहाँ से जाना है नीचे, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा नॉइज रिडक्शन, आपको सिंपली से यहाँ पर प्रेस करना है और यहाँ से देखिए कुछ सेटिंग्स आएंगे बेसिक, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं छेड़छाड़ करना है, सिंपली से आपको अप्लाई के ऊपर प्रेस करना है। ये क्या होगा कि सारे देखिए ये जो है रिमूव कर देगा आपके जितना भी नॉइज होगा, हल्ला गुल्ला और जो शोर शराबा बगल का होता है वो सारा नॉइज रिमूव कर देगा और सिर्फ आप जो सामने से जो बोलोगे वो वाला वॉइस यहाँ से आपका रहेगा और नॉइज को पूरा हटा देगा। तो इस तरह से जो है आपका पूरा क्वालिटी हो जाएगा सेम और यहाँ से सिंपली से आपको यहाँ से इसको सेव कर लेना है।
कोई भी फाइल का नाम देकर कि यहाँ से आपको करना है सेव, और इस वाले फाइल को अब जो है आप किसी एडिटर में जाइए, काइनेमा मास्टर पावर डायरेक्टर, वहाँ से अपने दूसरे वाले फोन के वीडियो को और इस वाले ऑडियो को दोनों को मिला दीजिए, अटैच कर दीजिए एडिटर से और जाकर के वीडियो को एक्सपोर्ट कर दीजिए। दोस्तों आपका गजब का साउंड क्वालिटी आएगा, मतलब कि आप एक बार ट्राई करके देखिए दोनों एप्लीकेशन, फिर आपको समझ में आएगा। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा बहुत ही आसान है, आप अपने वॉइस को इसमें जो है नॉइज़ को रिमूव करके एक अच्छा क्वालिटी का वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो, वो अभी बेसिक ईयरफोन से। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।